शुरू करते हैं टाइल की सफाई। बहुत सारे घरों में अक्सर टाइल पे हेल्पिंग हैंड पोछा मार के चले जाते हैं, लेकिन अगर आप क्लोज बनाएंगे तो ये जो चीजें हैं ये खास मैं जरा दिखाना चाह रही थी, ये जो बीच की जो चीजें हैं इसमें एक कालक वक्त के साथ साथ जमा होती रहती है, जमा, और फिर उसके बाद वो पूरा टाइल तो साफ होता है लेकिन पूरा कॉर्नर्स, हाँ कॉर्नर्स भी रह जाते हैं, कॉर्नर्स भी रह जाते हैं, वो बीच में जो गंद है वो भरता लाइन है, हाँ लाइनों में, हाँ सही कह रही हैं। उसके लिए हमें कोई टेक्निक बताई? जी जी बिल्कुल, आपने क्या करना, नमक और खाने का सोडा मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद नमक और खाने का सोडा मैं इनको ऐसे करके डाल रही हूँ, ठीक है पूरा। हाँ, अच्छा लाइन्स पर, हाँ ऐसे मतलब गीला नहीं डालना है अभी, फिर मैं इस पे स्पंज लगा लें, स्प्रे करूंगी। अच्छा सिरके का, तो बस अब एक लाइन करके दिखा देती हूँ। और ये सिरका है, थोड़ा सा मैं इस पे डालूंगी, अगर स्प्रे बॉटल में डाल के करना चाहे वो कर दें। हाँ ये तो बहुत दाया हो जाएगा भाई। हाँ देखें अब इसको ये ओके, अच्छा थोड़ी देर छोड़े या बस फौरन छोड़ दें? छोड़ दें। कितनी देर मतलब ये करके आप कितनी देर छोड़ना चाह रही हैं? ये जो है आप 15-20 मिनट, जैसे 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दें तो देखिए ये सारी इसकी जो गंदगी होगी ना वो सारी ऊपर आ जाएगी। आप क्या करती हैं, आप घर में कुछ इस तरह की टेक्निक करती हैं? बिल्कुल इसी तरह की, इसमें एक दो चीजें आप समझे कम कर दें, सिरका डालती हूँ, नमक डालती हूँ, जैसे इन्होंने अभी बताया ये डाल के दो चीजें और वो खुद ही उबल के आने लगता है ना, फिर आप स्पंज मार दे, इतना जरूरी है। अक्सर घरों में देखा है वो टूथब्रश लेके कुछ नहीं, मेहमानों का घर इतना साफ होता है कि दिल चाहता है कि देखते रहो, इतने सफाई से उनकी हेल्पिंग हैंड्स भी इतने साफ से, तो मुझे लगता है वो लोग भी यही करते होंगे। हाँ बिल्कुल, और ये वही वाली बात है कि हफ्ते बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद बहुत जरूरी होता है, छोड़ देते हैं तो फिर जमता रहता है। तो आप सिरका मिलाती हैं और आप क्या करते हैं? नमक, सिरका और नमक, इन्होंने अभी अच्छा एडिशनल तनस्तर आता है जी ने, ये अच्छा है ना, एडिशनल चीजें पता लग रही हैं। और ना नमक, सिरका और खाने का सोडा, खाने का सोडा, अच्छा नमक, खाने का सोडा एंड सिरका, ये तीन चीजों से आपने बस ये खुद ही उबल के ना उबल के बाहर आ जाएगा, सारी गंद आ जाएगी। अच्छा फिर आप आधे घंटे 15 मिनट बाद जाके सिर्फ तेज शावर से इसको साफ कर दें, बहुत तेजी से, जैसे ना शावर होता है हमारे घर के बीच में ये हिस्सा और इधर आसपास सोफे और रग्स हैं, फिर उसका क्या करें? अगर शावर डालेंगे तो शावर कहाँ से लाएंगे? आप अगर आप देखें ना, अभी टाइम नहीं हुआ है लेकिन ये इसकी सफाई होना शुरू हो गई, अगर घर के बीच में है तो आप स्पंज से ऐसा साफ कर दें। और वो ब्रश, टूथब्रश से कोई फायदा होगा अगर हम टूथब्रश से करेंगे? नहीं ये खुद ही निकल के ऊपर आ जाएगा। नॉर्मली बात ये है कि वॉशरूम अगर आपने साफ किए हैं, आपने शावर लिया है, शावर लेने के बाद जब घर के सारे अफराद निकल जाते हैं तो खवातीन क्या करती हैं, एक तो वो बाथरूम धोती हैं, धोने के बाद वो ड्राई कर देती हैं। ये कब बनता है? जब आप उस जगह को गीला रहने देते हैं तो वो गंदगी बनती है। और अगर आप ये डेली बेसिस पे हर तीसरे दिन या हफ्ते में एक दफा ये वाला स्प्रे कर लेते हैं तो जितनी देर में आप अपनी सारी चीजें या सिंक वगैरह धोते हैं उसके बाद आप इसको वॉश कर, अच्छा यही बेहतरीन चीज है दैट आप अपने किचन काउंटर्स को भी रात को सोते हुए साफ करें, इन दिनों में कोई मच्छर कीड़ा कोई छिपकली नहीं आएगी। हाँ रात को आप कह रही हैं, रात को लास्ट आपने जिस वक्त अपना किचन साफ करके निकलना, क्यों भाभी? जब आप किचन वगैरह साफ करके निकलते हैं, अपना घर साफ करते हैं, जब बच्चे सोए तो लास्ट जो औरत पूरा घर साफ करके चीजें बिल्कुल कुशन बिल्कुल आप मेंटेन करके जाती हैं, तो वो एक एक काउंटर पे अपने माइक्रोवेव पे अपने फ्रिज के बाहर वो एक हाथ लगाती है, उसके बाद फिर आपके एक हाथ स्प्रे का, स्प्रे का मतलब लाइक क्या क्या होता है? आपने ये स्प्रे डाला, यही सेम तीनों चीजें, नमक, मीठा सोडा खाने का और सिरका, और ये आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद आपने कपड़ा वाइप कर दिया, दैट्स इट। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.